तो भाई साहब ये देख रहे हो आप आरसी स्टंट कार। स्पीड देखो यार इसकी, तो स्पीड ही नहीं रुक रही भाई साहब। ये तो आज मुझे लग रहा है डीआईडी में इसका सिलेक्शन होकर आएगा। ओ माय गॉड, ये मेरा फेवरेट था यार। क्या ये ऊपर उठ के जो गोल गोल घूमी है, वाह यार गजब। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस टावर तो काफी ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन में, जिसमें कि भाई साहब एक चांद पर बैठे हुए खरगोश से लेकर के आज आपके लिए होने वाला है एक 2-in-1 वाली गन, जिसमें कि भाई पानी भी निकलता है और ये ना सॉफ्ट बुलेट भी मारती है और इनके निशाने जो काफी ज्यादा चूके। एक आरसी स्मोक कार जिसके अंदर जो है बहुत ही असली धुआं निकलता है रंग बिरंगे रंग का, और इसी के साथ साथ आज होने वाले भाई आरसी स्टंट कार, एयरप्लेन गन लॉन्चर और भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें। तो सबसे पहले भाई मैं आपको दिखाने वाला हूं आज हमारी एक आरसी स्मोक कार जो कि स्पीड एक्स के नाम से आती है, और ये एक रेसिंग कार और यहाँ पे ना लाल कलर नीले कलर की लाइट भी जलती है। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल किए सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये जो है ना कुछ इस तरीके के बॉक्स में आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो भाई ये जो है रेड कलर में भी आती है, ग्रीन कलर में भी आती है, और इसका धुआं देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है। और जब मैं इसको आपको दिखाऊंगा ना खुद चला करके, तो वाकई में आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। और यार आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है ना एंड में 10 लोगों को नहीं बल्कि 15 लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा, जिनमें से किसी 2 बंदे को मिलने वाली है आरसी स्मोक कार और साथ ही में ये वाली एयर बैटल गन जो कि एयरप्लेन गन लॉन्चर है। और इसी के साथ में एक सरप्राइज और है कि आपको मिलेगी आरसी स्टंट कार, जो आप देख सकते हो ये वाली जो स्टंट कार है ये प्रॉपर भाई साहब 5 टायरों के साथ आती है, और ये पूरी की पूरी मेटल बॉडी की बनी हुई है, जिसको रॉक लीडर के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ इस तरीके का जो है रिमोट कंट्रोल आएगा, और ये आपको जो है भाई सब गोल्डन कलर में मिलने वाले, यानी कि आपके होने वाले बहुत ही ज्यादा मजे, जो देखने में कुछ इस तरीके से लगने वाले। तो भाई आज वाकई में आपके काफी ज्यादा मजा आ जाएंगे। आपको इसके बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा एक रिमोट कंट्रोल और एक इस तरीके से एक मिलेगी आपको एक डिब्बी, जिसको कि ना आपको इस तरीके से उल्टा करके दबाना, और जैसे आप छोड़ोगे तो पानी जो है सारा का सारा इसके अंदर भर जाएगा। और जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो आपको जो है ना भाई स्मोक बनाने के लिए आपको को खोलना, और यहां पर आपको थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा मात्रा में मत डालना, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि सिर्फ आपको कितना सा पानी डालना है। और उसके बाद जो है ये असली का धुआं देने लगती है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग बनती है। और यार इसके आप टायर्स वगैरह देखोगे ना काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा लगेगा कि आपने कोई MRF का टायर देख लिया, क्योंकि उन गाड़ी के टायर्स एक्चुअल में ऐसे होते हैं। और अलॉय व्हील देखो क्या शाइन है यार, और इसकी ग्रिप भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बैटरीज कौन सी डलने वाली है। अरे वाह यार, इसका जो कैप है ना ये इसी के साथ अटैच है, यानी कि ये गिरेगा नहीं। तो ये चीज जो है ना भाई मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। और इसके अंदर भाई लगते हैं AA वाली बैटरी, यानी कि आपके जो है ना AA वाली 3 सेल इसके अंदर लगेंगे, और उसके बाद आपको इसको अच्छे तरीके से कस के लॉक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से ऑन कर लेना है। और भाई धुआं देखने से पहले जो है आपको रिमोट कंट्रोल के अंदर भी डालने पड़ेंगे 2 सेल, और इसको भी अच्छे से कैप को लगा देना है। तो यार ये जो रिमोट कंट्रोल है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस पर लिखा भी हुआ आरसी कंट्रोलर, यानी कि रिमोट कंट्रोलर। इससे भाई आगे पीछे जाएगा, दाएं बाएं जाएगा, और ये बटन दबाने से भाई निकलता है स्मोक। और इसका सिग्नल देख रहे हो कितना बड़ा इसका एंटीना, क्योंकि ये जो है ना सिग्नल बहुत तगड़े पकड़ने वाला है। तो अब बारी आती है भाई स्मोक बनाने की। तो उससे पहले जो है ना इस वाटर टैंक का ये जो है हम इसको कैप को निकालेंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में बिल्कुल हल्के से में हमें डालना है इसके अंदर वाटर। तो ये जो भाई मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया, और इसको वापस से आपको पहले की तरह कस देना है। तो यार मेरे को पता है कि आप लोगों से बिल्कुल भी वेट नहीं करा जा रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा कि इसमें से धुआं निकलते हुए देखें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी आगे पीछे करके। तो इस बटन से जो है ना ये गाड़ी ये देखो इस तरीके से आगे जाएगी और ये पीछे जाएगी, और इसकी भाई रफ्तार काफी तेज और काफी अच्छा साउंड आता है। और लेफ्ट राइट करने के लिए ना आपको इसको दाएं बाएं करना पड़ेगा। ये देखो इधर की तरफ में राइट में होगा, और इधर की तरफ ये जाएगी गाड़ी लेफ्ट में। तो काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, और आगे से भी इसका डिजाइन वगैरह जो है काफी ज्यादा पसंद आएगा। और अब आती है भाई साहब उस मोमेंट की बारी, यानी कि इस बटन को दबाने की। ये देखो इसके अंदर कैसे भाई लाइट जल रही है, और इसके अंदर से निकलने वाला है अभी एक स्मोक, यानी कि असली वाला धुआं। ओ माय गॉड, अभी आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से निकल रहा था इसके अंदर से स्मोक। तो अभी जो है ना मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाने वाला हूं, ताकि जो है ना आपको देख के काफी ज्यादा मजा आ जाए। तो चलो लाइट्स ऑफ करते हैं ऑफ। तो ये देखो भाई जैसे ही मैंने इसके अंदर बटन दबाया ना, इसके पीछे तो एक तो लाल लाइट जलने लग गई, और ये देखो यार स्मोक देखो। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कि असली की गाड़ी नहीं चलती, सेम वो वाला इसके अंदर से आपको ना धुआं फील होता है, जो काफी ज्यादा इसको अच्छा बना देती है और बहुत ही ज्यादा इसको सुंदर बनाती है। देखो है ना कितनी कमाल की, ऐसा लग रहा है असली गाड़ी कोई भाग रही हो रोड पे और आग निकल रही हो। ये देखो जब गाड़ी फिल्मों में चलती है ना तो इसी तरीके से भाई उसके अंदर से आग निकलती है। ये देखो कितनी कमाल की लग रही है वो। भाई साहब वाकई में यार काफी ज्यादा गोली की तरह जाने वाली है। ये देखो और आगे से देखो यार धूम मचाले। ओ भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूँ गाइस, लाइव जो है ना इसको देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा कि हमें यहाँ पर अपनी गन रखी हुई दिख रही है, वाटर गेम दिख रही है, एक एक चीज़ जो है ना बहुत बारीकी से दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई मेरे साथ ना लाइव आ जाओ, लाइव लेने वाले हैं इसके मज़े। ओ माय गॉड यार, ये देखो कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। ये मॉन्स्टर कार जो है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है और इसके टायर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे F1 रेसिंग कार हो। तो भाई एक बार जो है ना इसको दिन में टेस्ट करने वाले। ये देखो ओ भाई साहब इसकी स्पीड और इसकी हेडलाइट देखी, और पीछे से देखो यार ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक आग की तरह फेंक रही हो। जैसे आग नहीं फेंकते यार पिक्चरों में हमने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस में, सेम वैसी ऐसा लग रहा है भाई फ्लेम निकल रही हो। भाई साहब क्या RC स्मोक गाड़ी है, मज़ा आ गया। साउंड वगैरह भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। और ये अंधेरे में तो ओए होए कतई बवाल भाई साहब, इतनी तेज निकलती है इसकी लाइट में आपको क्या बताऊं। और पीछे बताओ भाई दो लाल कलर की LED लाइट जल रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है धुएं की जगह। और भाई रे बनाने वाले ने कतई गजब चीज़ बना दी, मज़ा आ गया यार। ओह माय गॉड, तो भाई साहब मैंने कहा था ना यार कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा गजब है। और इसकी ना हेडलाइट पता है दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि जो डिज़ाइन बना रखा है ना पेंट कर रखा है ये इसकी हेडलाइट है, लेकिन एक्चुअल में लाइट यहाँ नहीं जलती, लाइट जलती है इस वाली LED बल्ब में। एक बल्ब यहाँ दे रखा है LED और एक यहाँ पर दे रखा है, इस वजह से दिख नहीं रही थी हमें, सिर्फ इतनी लाइट दिख रही थी, बट एक्चुअल में यहाँ से लाइट जल रही थी और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। और इसका कलर जो है ना यार कलर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया, इसके अंदर डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी कर रखी है। जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है ना सेम वो वाली आपको ये फील देने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगी। और वाकई में यार ये स्पीड रेसिंग कार जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो यार अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना वाह और उसके आगे लिख देना RC स्मोक कार, ताकि मैं जो आपको रिमोट कंट्रोल वाली स्मोक कार गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। और अब RC स्मोक कार के बाद बारी आती है हमारे लेजर पॉइंटर की, जिसके साथ एक चार्जर भी आता है और एक ताले वाली चाबी भी मिलती है। और ये जो है पूरा का पूरा सेट आता है एक इस बॉक्स में जिसपे लिखा है लेजर पॉइंटर। याद रहे ये लेजर लाइट नहीं है, ये लेजर पॉइंटर है जो 5 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। और इसके अंदर काफी सारे अलग अलग डिजाइन भी होते हैं, पर लेकिन उससे पहले हम देखने वाले अपनी एयरप्लेन गन लॉन्चर और उसके बाद दिखाऊंगा RC स्टंट कार जो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो यार ये देखो ये हमारी एयरप्लेन गन लॉन्चर जो कि आपको लगेगा कि UFO वाली एक गन है, क्योंकि जो एलियन वाली गन होती है ना उनके अंदर कोई ट्रिगर नहीं होता। सेम ऐसा ही इन्होंने क्या कर रखा है, इसको भी गोल बना रखा और इसके अंदर कोई भी ट्रिगर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको आगे से कोई स्लॉट मिलता। बट लेकिन बिलीव मी यार ये गाइस बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और बहुत ज्यादा सुंदर गन है। और ये ना ऐसे लोड होती है और ये देखो अब जो है ना जैसे मैं इसको दबाऊंगा अभी ऐसा लग रहा है ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको दबाते ही साउंड आएगा है ना, आया ना एकदम से भटाक करके, तो वो जो है भाई ये इस तरीके से दबता है। देखो अब आपको दिख रहा होगा तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये इसके अंदर देखने के लिए मिलता है एक बार जिसको आपको ऊपर को जो है ना लोड करना पड़ता है। ये आप इसको ऊपर को करोगे, जितने भी हमारे पास प्लेन रखे हैं इनको कहते हैं भाई एयरप्लेन लॉन्चर। तो इसको जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही करीब से और बहुत ज्यादा पास से लगा करके। तो ये देख सकते हो इसके अंदर जो है मैंने तीनों के तीनों अपने एयरप्लेन लगा लिए और ये एयरप्लेन लॉन्चर गन हमारी तैयार हो चुकी है। अब बस आपको ना इसको लोड करना है, ये देखो इस तरीके से लोड होगी और इसके अंदर ना एक आवाज भी आएगी लोड होने के बाद। और अब जैसे भाई मैं इसको बटन को दबाऊंगा ना इसके अंदर से ना प्लेन भागेगा। ये देखो 1 2 3 है ना, और अब सिर्फ 2 ही बच जाएंगे क्योंकि जो ब्लू वाला है ना ये अमेरिकन वाला ये सीधा बाहर जाएगा। ये देखो एकदम गोली की तरह भाई चला गया। और इसकी पता सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसको जो है ना आपको नीचे नहीं करना पड़ता, इसके अंदर खुद एक बटन दिया गया है, जैसे आप इस बटन को दबाओगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है और ये लोड हो जाता है दूसरा वाला एयरप्लेन भी। अब आप इसको भी जो है ना निकाल सकते हो, ये देखो ये भी चला गया और फिर दोबारा आप इस बटन को दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये देखो अब जो है ना ये वाला प्लेन भी कैसे गोली की तरह जाएगा। तो अब देखा आपने कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज मेरे साथ मैं आपको ना इसको लाइव दिखाता हूँ। तो आने वाला मजा भाई साहब, आज जो है पहली बार एक ऐसी गन यूज करने वाले हम जिसमें कि भाई साहब एयरप्लेन लॉन्च करेंगे हम, यानी कि सीधा ये भाई फूंक मार के नहीं उड़ाना, सीधा हम जो है डायरेक्ट उड़ाएंगे वो भी गन से। तो ये देखो भाई पहला एयरप्लेन हमने लोड कर लिया, ये करा दूसरा वाला लोड और ये तीसरा। तो यार कितनी सी लग रही है यार ये गन मुझ में भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही है। और भाई रे ये देखो करा लोड, क्या साउंड है, ओए क्या बात है बेटे की जान। मजा आ गया भाई साहब, एक बार और, ओ बाप रे बाप, एक बार इस हाथ से, ओह माय गॉड। वाक्य में जो गन है ये नर्रासकला माइंडेड धाएं धाएं धाएं, तो ये जो गन है वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है और ये लोड वोड करने के लिए भी बहुत ज्यादा इजी लगी मुझे। और ये जो भाई तीनों के तीनों प्लेन थे काफी ज्यादा अमेजिंग थे और वाकई में बहुत ज्यादा मजा आया इसको चला करके। और ये जो गन है यार, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत प्यारा लगा मुझे। प्रॉपर आपको यार ये एलियन वाली फील देगी और इसको ना आप अपनी पॉकेट में इस तरीके से भी रख सकते हो और अपनी पैंट से ऐसे निकाल के धाएं धाएं कर सकते हो। तो यार अगर आपको इसके डिजाइन के साथ साथ ये गन आपको भी काफी ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना वाह, उसके आगे लिखना एयरप्लेन गन लॉन्चर, ताकि मैं जो आपको एयरप्लेन वाली गन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है हमारे इस वाले मून रैबिट की, जो कि भाई इलेक्ट्रिक फंक्शन से चलता है, जिसके अंदर 3D म्यूजिक से लेके 3D डायनामिक लाइट्स है और इसके अंदर डायनामिक म्यूजिक भी है। और भाई ये मैकेनिकल गियर वाला एक रैबिट है जो काफी ज्यादा सुंदर है। लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हमारा प्यारा सा भाई साहब स्टंट वाली कार, जिसको कहते हैं RC स्टंट कार, जो इस तरीके से आगे पीछे भी हो जाती है और ये ऐसे ऐसे भी चलती है और ये खड़े होने पर भी चलती है। तो यानी कि ये एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो भाई आगे पीछे दाएं बाएं जैसे मर्जी चली जाती है। इसके पीछे के टायर काफी बड़े हैं और ये ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ दे रखे और अंदर ये एक ड्राइवर बैठा हो जिसको कि कांच से कवर कर रखा है। ये भी एक पहिए की तरह काम करता है। तो टोटल इसके अंदर 5 पहिए हैं और ये ना यहाँ पर इसमें कोई बैटरी नहीं डलती है। मैं आपको बता दूंगा इसको ऑन करने के लिए जो है यहाँ से आपको करना पड़ता है चार्ज। तो यार ये जब आपके पास पहुंचेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना अडेप्टर आपको इस तरीके से इसके अंदर लगाना है और उसके बाद आप इस चार्जर को घर में किसी भी जगह पर लगा देना। इसके अंदर लाल लाइट जल जाएगी तब आप समझ लेना कि चार्ज हो रहा है और जैसे इसकी लाल लाइट बंद हो जाए तब समझ लेना कि ये जो है पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। और जब ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी तब उसके बाद आपको जो है ना भाई इसके भी रिमोट के अंदर 2 AA वाली बैटरी डाल करके जो है इसको लॉक कर देना अच्छे से। और अब देखो भाई इसका एंटीना कितना बड़ा है, तो समझ लो इसके सिग्नल बहुत तगड़े आने वाले हैं। और अब जो है ना भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी का जादू। ये देखो भाई क्या करतब दिखाएगी ये। इसको करते हैं ऑन और इसकी स्पीड देखना इस तरीके से भाई, ये जो है ना आगे की तरफ इसके टायर भागते हैं और जब ये वाला बटन आप दबाओगे तो ये भागेगा पीछे की तरफ। ये देखो है ना, मतलब आवाज भी कितनी ज्यादा इसकी तगड़ी आती है। और जैसे ही आप दाएं बाएं वाले बटन दबाओगे तो ये आगे का इसका हिस्सा जो है ये घूमने लगता है। तो ये देखो भाई कैसे मतलब एयरप्लेन की तरह ये घूमेगा, आपको लगेगा कि भाई एयरप्लेन कोई उड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। और ये वाला दबाओगे तो ये उल्टी दिशा में घूमेगा। ये देखो अरे यार कितना मतलब कि मजेदार है ये। और भाई इसके साथ साथ ही ना तुम्हें पता है ऐसा लगेगा तुम्हारे चेहरे पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो यानी कि गर्मियों में ना एक पंखे की तरह भी काम कर सकता है। क्या बात है यार, ये तो बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। तो यार आ जाओ मेरे साथ, मैं ना आपको इसका एक लाइव डेमो देके दिखाने वाला हूँ। तो भाई साहब ये देख रहे हो आप RC स्टंट कार और भाई ये फ्लाइंग वाले विंग्स देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है लिटरली उड़ जाएगी। ओ भाई फॉर्मूला जैसी जो कार होती है ना F1 रेसिंग कार, इतनी स्पीड में गई है मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये देखो है ना यार कितना कमाल का टम्बलिंग कर रही है। ओए भाई स्पीड देखो यार इसकी, तो स्पीड ही नहीं रुक रही भाई साहब। ये तो आज मुझे लग रहा है DID में इसका सिलेक्शन होकर आएगा। ओ माय गॉड ये मेरा फेवरेट था यार। क्या ये ऊपर उठ के जो गोल गोल घूमी है, वाह यार गजब। ओ माय गॉड इसको देख के तो यार एक ही चीज कहूंगा कि भाई ये जो चलता है ना आगे से भाई साहब, मतलब कतई बवाल यार, कतई गजब यार। ये क्या चल रहा था ये यार, इसके ना करतब देख के वाकई में मैं तो हिल गया और मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी भाई। इतनी जरा सी गाड़ी है ना, इसमें सेल डलते ना, इसके अंदर कुछ चलता, बस ये भाई चार्ज करो और इसको आप काफी जो है ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा इस गाड़ी ने और मुझे वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। और यार एक बार ना इसका बॉक्स देखो, इसके बॉक्स भी जो है ना काफी ज्यादा स्टाइलिश है। मतलब ये यार आप देख रहे हो कितना बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। और ये पता पूरी 360 डिग्री गोल गोल घूम के वहां स्पिन कर रही थी। और मुझे सबसे अच्छा इसका ना वही वाला सेक्शन लगा था कि यार ये जो खड़े होकर टम्बलिंग कर रही थी ना, जो डांस दिखा रही थी एकदम रोबोट की तरह, मुझे मजा आ गया देख के। और ये ना 4 अलग कलर में आते हैं, नीले में, लाल में, भाई संतरी में, हरे में, तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा आपको इसको देख करके। तो जब ये आपके पास आएगी तो इन 4-5 में से कोई सा भी कलर आपके पास आ सकता है। तो यार अगर आपको भी ये काफी ज्यादा पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, अमेजिंग लिखना और उसके आगे लिख देना भाई साहब RC स्टंट कार, ताकि मैं जो आपको इस RC स्टंट कार को गिव अवे कर सकूं। याद रहे ये है RC स्टंट कार और वो है RC स्मोक कार और वो है RC कार। तो जो भी आपको चाहिए होगी आप उसके आगे भाई अमेजिंग या वाव लगा के अपना नाम लिख देना और उस गाड़ी का नाम डाल देना, ताकि मैं आपको इसको गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। और अब बारी आती है भाई वादे के मुताबिक हमारे मून रैबिट की। तो भाई सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं मून रैबिट जो कुछ इस तरीके से आता है और ये जो लिखा हुआ है ना आई विल ब्लिंक ऊ, तो यानी कि ये जो है ना भाई, ये अपनी ना आंखें भी मटकाता है। तो आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, ये देखो ये ना भाई अपने पल के झपकाता है। काफी ज्यादा क्यूट लगने वाला ये। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट है भाई, प्लस माइनस बने हुए हैं, गुणा बनी हुई है, भाग बना हुआ है, प्लस का साइन है। मतलब कि ये जो है ना आपकी भाई साहब याददाश्त तेज करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो यार ये जो है ना मून रैबिट मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है देखने से। यार ये देखो कितना प्यार लग रहा है। और ये जो है ना ट्रांसपेरेंट कांच, जो कि भाई ये प्लास्टिक का कांच है, इसके आर पार इसके अंदर का ये अंजर पंजर एक एक चीज दिख रही है, एक एक गरारी दिख रही है। और जब ये चलेगी ना तब और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये इंद्रधनुष की तरह रंग देने वाली है। ये देखो यार संतरी है, इसके अंदर हरा कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है, गुलाबी कलर है, सफेद कलर है, कितना रंग बिरंगा है। इसमें बादल बने हुए हैं और यहां से निकलेगी 3D डायनामिक लाइट्स, जो कि ऐसा लगेगा कि भाई ये एकदम रेनबो चल रहा है और ये बादलों पे सवार होकर चल रहा है। तो यहां से भी लाइट निकलती है, यहां से भी निकलती है और इसके अंदर भी लाइट जलेगी। पर वो सब चीजें करने से पहले ये तो भाई आराम कर रहा है, तो भाई इसको करने देते हैं हम आराम। चल भाई तू रेस्ट कर ले। यहां से आपको इस कैप को खोलना ताकि ये जो है ना इसके ऊपर 360 डिग्री घूम के स्पिन कर सके, स्टंट दिखा सके आपको। और ये दो पहिए जो है ना ये भी चलने वाले और इसके अंदर लगने वाली है बैटरी। तो इसके अंदर भी जो है ना आपको 3 सेल डालने, यानी कि इसके अंदर आपकी डलेगी 3AA बैटरी। और उसके बाद जैसे आप इसको लॉक कर दोगे ना, तो भाई जब आप इसको बीच में करोगे तो इसके अंदर जलेंगी कुछ लाइटें इस तरीके से। और ये यहां से देखो कैसी अलग अलग तरीके की लाइट्स फेंक रहा है, बहुत मजा आने वाला है जब अंधेरा करूंगा तो, और लाइव में भी दिखाने वाला हूं। और उसके बाद जब आप नीचे करोगे तो इसके अंदर म्यूजिक चलेगा, ये देखो है ना, मतलब कितना गजब। और अब ना एक बार इसको करते हैं लाइट्स को ऑफ। ये कर दिया हमने लाइट्स ऑन। और ये देखो यार, मतलब इसके अंदर जो है ना कैसी अंधेरे-धनुष वाली लाइटें जल रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने रेनबो चालू कर दिया है। और इसके चांद के अंदर इतनी सारी रंग बिरंगी लाइटें, मैं क्या ही बताऊं। और अभी देखना जैसे इसको चालू करूंगा ना तो पता है इसकी ना पलके भी झपकेंगी। तो अब भाई मैं इसका करने वाला हूं म्यूजिक को ऑन, ताकि जो है और भी ज्यादा हमारे को मजे आ जाए और डिस्को डिस्को करने का मन हो जाए। ये लो भाई, तो एक गरारी देखो यार, एक एक गरारी किस तरीके से घूम रहे, चांद सितारे इसके अंदर घूम रहे। और ये हमारा एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट के अंदर भाई लाल लाइट, नीली लाइट, गुलाबी लाइट जल रही है। और ये घूमता हुआ भी कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको यार आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। और इसकी पलके दिखाऊं, ये देखो ये अपनी पलके कैसे झपका रहा है, कितना क्यूट लग रहा है भाई ये पलके अपने झपकाते हुए। मुझे काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है ये, और वाकई में यार ये काफी इंटरेस्टिंग है। लाइट देखो यार इसके नीचे से कितनी अलग अलग तरीके की लाइटें फेंक रहा है। और इसको अगर मैं रख दूंगा ना तो ये पता गोल गोल घूमने लगता है, ये इस तरीके से घूमेगा ताकि और भी ज्यादा मजे दे दे। तो यार मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, चलो मेरे साथ लाइव, इसके लाइव बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो ये हमारा जो एस्ट्रोनॉट बना हुआ कितना क्यूट लग रहा था। और भाई साहब ये चांद के ऊपर जो हमारा खरगोश सो रहा है ना, और ये देखो यार अंधेरे में, ओ माय गॉड भाई साहब, मतलब नाचने का मन करेगा आपका भाई। 3D डायनामिक लाइट जल रही है, लाल कलर की, नीले कलर की, हरे कलर की, भाई साहब कसम से भाई मन कर रहा है इसमें कि सचमुच में भाई इसमें आ जाओ मेरे साथ और नाचे भाई लाइव। मेरा ही हंस देने रिंकिया के पापा, भाई गाना बजाओ और इसके अंदर नाचो। एक एक गरारी देखो कैसे घूम रहे एस्ट्रोनॉट, देखो यार एस्ट्रोनॉट देखो कैसे गोल गोल घूम रहा हो भाई जो चांद सितारे, ओए होए क्या लग रहे हैं इसकी आंखें देखो, ओए कितना क्यूट है ये, वाओ। अरे भाई साहब इसके बारे में पता है दो ही चीजें कहूंगा, एक तो ये कि यार जब ये आंखें मटकाता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। और यार ये देखो आराम करता हुआ भी कितना क्यूट लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये जो इन्होंने बना रखी है इसके ऊपर मशीनरी बना रखी है, मिसाइल वगैरह गोल गोल घूमती है। यार भाई मैं सच बता रहा हूँ याददाश्त करने के लिए काफी अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी चीज कि एस्ट्रोनॉट के अंदर जो भाई नीली लाइटें, गुलाबी, लाल, और भाई साहब सबसे अच्छी चीज पता है क्या, इसके अंदर लाल लाइट, नीली लाइट, गुलाबी लाइट, हरी लाइट, मतलब एस्ट्रोनॉट के अंदर हर एक लाइट जलती है। और ये एस्ट्रोनॉट ना घूमता हुआ तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और यही चीज देख के ना मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और आई होप कि यार आपको भी काफी ज्यादा मजा आया होगा और ये सब देख करके। तो मुझे तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना मून रैबिट, ताकि मैं जो आपको इस मून वाले रैबिट को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है हमारी एक बहुत ही ज्यादा खास गन की, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है भाई। ये देखो मतलब कि ये वाली जो गन है ना, इसके अंदर आप पानी डाल सकते हो और उसके बाद भाई इतनी गोली की तरह इसके अंदर से भाई चीजें होने वाली है ना, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। इसके साथ जो है ना आपको भाई कुछ इस तरीके से एक भाई ड्रॉप वाली जो है ना बोतल मिलती है, और इसको आपको दबा के रखना होता है और सारा पानी इसके अंदर डाल देना होता है। जब ये सारा पानी इसके अंदर आ जाएगा तब आपको इसको कसके लगा देना है। और जब आप इसको दबाओगे ना तो यार यहाँ से आपको पानी दिखेगा भी कि यहाँ से निकल रहा है, और इस छेद से पानी बाहर आता है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये एक वाटर गन भी है और साथ में ये जो आप एक बॉल देख रहे हो ना, ये भाई सॉफ्ट बॉल जो टेनिस वाली बॉल होती है उस तरीके की ये बॉल है, काफी छोटी है और ये 5 बॉलें आती हैं और इसको ना आपको इस तरीके से दबाना होता है। ये जैसे आप दबा दोगे ये इसके अंदर चली जाती है, देखो जैसे मैंने करा, और उसके बाद जैसे आप इसको पीछे खींचोगे तो इस तरीके का ना इसके अंदर से एक साउंड आता है और अब देखो जैसे मैं दबाऊंगा तो बाहर आएगा। ये देखो ये आ गई ना बाहर, तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला। तो ये गन तो भाई मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस गन को दिखाने से पहले जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा लेजर पॉइंटर। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना लेजर पॉइंटर, ये इस वाले लेजर पॉइंटर के बॉक्स में आता है। इसको जैसे आप ओपन करोगे ना तो इसके अंदर आपको ना ये यहाँ पर मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ना मुझे पता सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि भाई ये जो है ना एक तो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा मोटा है, प्लस में इसके साथ आपको एक बैटरी देखने के लिए मिलती है। ये देखो यार, और ये पता आप यकीन नहीं करोगे ये 4800 mAh की बैटरी है यार। इतनी तो पता आजकल फोनों में आती है, लेकिन ये लेजर पॉइंटर के साथ इन्होंने आपको एक 4800 mAh का सेल दिया, यानी कि बैटरी दी है। और ये एक लायन बैटरी है। और पता इससे भी अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी पता मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि ये जो आप देख रहे हो ना ये माइनस वाला पॉइंट, इसको आपको यहाँ लगाना है और इस सेल को आप यहाँ लगा देना। अगर ये आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको नई लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको ना इस तरीके से पिन को नीचे गिरा के किसी भी सॉकेट में लगा देना अपने घर के, ये जो है ना पूरे तरीके से चार्ज हो जाएगा। और जब ये चार्ज हो जाता है ना पूरा, तो भाई ये ना हरी लाइट दिखाता है, और जब इसकी बैटरी लो होगी तो ये यहाँ पर लाल लाइट दिखाएगा। तो इसको जो है मैंने पहले से ही चार्ज करके रखा है, इसलिए यहाँ पर हरी लाइट दिखा रहा है। तो यार आप खुद ही देख लो, आपके काफी ज्यादा मजा आने वाले, क्योंकि ये लेजर पॉइंटर में आपका अगर सेल खत्म हो जाता है तो आपको नया खरीदना नहीं पड़ेगा, आप इस चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो जो कि इसी के अंदर आता है। और अब जो है ना भाई मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हमें लगाना कैसे होता है। तो ये जो है ना चाबी, आप ये चाबी देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज है। आप सोच रहे होगे कि यार ये चाबी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन इसका क्या काम है। तो मैं आपको जो है ना इसका काम भी बताने वाला हूँ। ये जो है ना भाई ये चाइल्ड लॉक के काम आती है, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसको जो है ना इसको सबसे पहले हम इस डोरी को निकाल लेंगे और उसके बाद इस बैटरी को मैं इसके अंदर डालना है। ये जो माइनस वाला पॉइंट देख रहे हो आपको इसको नीचे को डालना है और उसके बाद जो है आपको इसको लॉक कर देना है। और जब आप इसको अच्छे से घुमा दोगे तो आपका ये जो लेजर पॉइंटर JD303 यानी कि जो आपका लेजर पॉइंटर है ये चालू होने के लिए तैयार है। अब देखना जैसे मैं इसका बटन दबाऊंगा ना तो इसके अंदर से लाइट नहीं निकलेगी। ये देखो ये मैंने दबाया और इसके अंदर लाइट नहीं जली ना। आप सोच रहे हो कि सेल खराब हो गया, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर मैंने लॉक लगा रखा है। तो इस चाबी का ना यही काम है। ये इसलिए क्योंकि ना इसकी जो रोशनी है वो बहुत तेज होती है, तो किसी की भी ना आंख पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में रखो तो इसको लॉक लगा के रखना, ताकि आपके जो बच्चे वगैरह इसको ना छेड़े, नहीं तो उनकी आंखें पे जो है जोर पड़ सकता है। तो जब आपको इसको यूज करना होगा तो ये लाल लाइट से जो है ना आपको इसको हरी वाली पे ले आना होगा। ये देखो इसके अंदर एक हरी लाइन भी है। तो अब ये जैसी ग्रीन पे आएगी, ये हो चुकी है ऑन। तो अब देखो अब मैं जैसे बटन दबाऊंगा तो चल पड़ेगी। तो ये देखो इसके अंदर से जो है ना ये लाइट जल रही है। और भाई ये ना अलग अलग तरीके के डिजाइन भी बना करके दिखाने वाली है। तो मैं जो पहले आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद जो है ना आपको मैं लाइव भी दिखाने वाला हूँ। तो लाइट्स को ऑफ करते हैं। दीवार पर देखो भाई एक बार कोई डिजाइन देखो यार, ऐसे लग रहा है किसी ने ना भाई हीरे लगा दिए हों, क्योंकि एक्चुअल में भाई ऐसे ही होते हैं हीरे, एकदम भाई वही शेप है, वही आकार है। और आकृतियां देखो भाई रे, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। भाई देसी स्पाइडरमैन का आप गाना बजा सकते हो, क्योंकि एकदम डिस्को वाली लाइट जल रही है। और ये लेजर देखो भाई साहब, मतलब क्या बवाल चीज है। ओ माय गॉड भाई ये देखो मैंने कैमरा जूम कर दिया, पिक्चर फट चुकी है लेकिन कितनी दूर तक जा रही है। ओए भाई साहब ये देख रहे हो, पता नहीं किसके घर पे टकरा रही है, क्या टकरा रही है, बल्ब से भी टकरा गई। ओ माइंड ब्लोइंग यार, ये वाकई में बहुत अच्छी। और आसमान में देखते हैं एक बार भाई, आसमान में नहीं पता चल रहा कि 1 किलोमीटर जा रही है 5 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि आसमान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वाकई में बहुत खतरनाक है ये। तो यार देखा आपने कितना ज्यादा अमेजिंग था ये। और अब जब आप इसको खोल दोगे ना तो इसके अंदर से ये कुछ इस तरीके से लेंस हट जाएगा, जिससे डिजाइन बन रहा था। सारे के सारे डिजाइन ना इस लेंस के वजह से बन रहे थे। और अगर प्रॉपर लेजर लाइट देखने तो इसमें से निकलती है लेजर लाइट। ओह माय गॉड, वाव यार, मतलब वाकई में जो लेजर पॉइंटर है ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है यार, और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और वापस से जो है ना भाई मैं इसको करने वाला हूँ लॉक, ताकि ये जो है ना कोई और यूज ना करे, ताकि उसकी आइज वगैरह पे कुछ असर ना पड़े। अब देखो अब ये चलने वाली नहीं है। तो ये जो चीज है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। और इसके अंदर ना आपको एक डोरी मिलती है, जिसमें कि ना आप इसको अपने हाथ में टांग सकते हो और इस तरीके से दबा के इसको आराम से आप जब मर्जी चाहो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पता इस तरीके से अगर छूट भी गया तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में डोरी हमेशा रहेगी। तो ये जो काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। और इसका साइज देखो यार, यार, एक लेजर लाइट से तो ये 3 गुना बड़ी है, यहाँ तक आ रही है आपके हाथ, मतलब कि पूरा आपका हाथ कवर करेगी और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है। अगर आपको भी लेजर पॉइंटर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना लेजर पॉइंटर। याद रहे लेजर लाइट मत लिखना, लेजर पॉइंटर लिखना, ताकि जो आपके पास तक लेजर पॉइंटर ही आ सके, वो भी इसके चार्जर के साथ और इसकी छोटी वाली चाबी के साथ जो काफी ज्यादा प्यारी है। तो चलो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो यार अब लेजर पॉइंटर के बाद हमारी बारी आती है हमारी 2-in-1 वाली गन की, जिसमें कि भाई पिचकारी वाला पानी निकलेगा, यानी कि वाटर गन का भी काम करने वाली है और ये काम करने वाली है इन तीनों मकोड़ियों को मारने का भी। ये जो आप इंसेक्ट्स देख रहे हो ना, कीड़े मकोड़े, इनको भाई मारने वाले। तो आज हमारे पास है 3 निशाने, एक ग्रीन कलर वाला इंसेक्ट है, एक है भाई ये वाला इंसेक्ट जो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, ये कोई क्रैब लग रहा है मुझे, टिड्डे वगैरह, ये आप देख सकते हो, इस पर लिखा भी हुआ है इंसेक्ट। ये ऑरेंज कलर का, ये ग्रीन कलर का है और एक है ब्लू कलर का। तो हम आज जो है ना इन तीनों को भाई निशाने से उड़ाने वाले हैं। और उसी के साथ में हमारे पास आज 5 सॉफ्ट बॉल भी हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है और इसको देख के आपको भाई पक्का टेनिस बॉल की याद आने वाली। बस इस तरीके से दबाना है, ये देखो कितना ज्यादा अंदर तक चली जाती है और उसके बाद यहाँ से लोड करो और कितना ज्यादा तगड़ा इसमें साउंड आता है। यहाँ से पानी आपको मैंने डाल के दिखाई दिया है। तो भाई ये जो है ना इसका लुक वगैरह काफी ज्यादा अच्छा है और ये भाई ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर और नेवी ब्लू, यानी कि नीला, संतरी, सफेद और भाई हल्का नीला, आसमानी नीला, ये चारों कॉम्बिनेशन मिलाकर के काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं इस वाली गन के लुक को। और ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी, यानी कि यहाँ से आर पार आपको जो है ना पानी निकलता हुआ भी नजर आता है। तो भाई ये जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाले। तो आजा भाई मेरे साथ, मैं आपको इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूँ। सबसे पहले भाई हमने तीनों अपने टारगेट लगा लिए जो कि यार इंसेक्ट्स हैं। ये देखो भाई एक बॉल हम इसके अंदर अब डालने वाले हैं, एक सॉफ्ट बॉल और डालेंगे और एक सॉफ्ट बॉल और डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 है टारगेट और 3 बॉल। ओ भाई साहब एक बारी में भाई गिर रहे हैं, देख रहे हो निशाना, क्या बात है। अब भाई पिचकारी वाला टेस्ट भी करेंगे। तो पिचकारी से भाई एक बारी में नहीं गिरा, ओ क्या बात है भाई, पानी की धार से भी गिर गए। वाह यार क्या गन है यार ये तो, ओ माय गॉड यार, ये ना रास्कल माइंडेड धाएं धाएं धाएं। भाई मैंने ना बिल्कुल नहीं सोचा था वाकई में। और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर ना ये देखो ये काफी ज्यादा अंदर चली जाती है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा पावर है। तो ये एक गई और ये वाला देखो, ये हमारी दूसरी सॉफ्ट बॉल भी चली गई, ये हमारी तीसरी सॉफ्ट बुलेट भी चली गई, ये चौथी सॉफ्ट बुलेट भी चली गई और इसी तरीके से 5वीं भी चली जाती है। और आप ना मतलब कि एक ही बारी में इसके अंदर पानी से भी शूट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ये बॉल भी दिख रही होंगी आर पार। तो यार मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मैंने पहली बार कोई इस टाइप की गन देखी जिसके अंदर की भाई साहब मतलब की वाटर गन भी है और उसी के साथ ये सॉफ्ट बॉल वाली गन भी है और काफी ज्यादा मजेदार वाले तो इसके निशाने थे। तो मैं सच बता रहा हूँ, जिस भी किसी बंदे का भाई पक्का निशान है ना उसके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि भाई वो तो बड़ी आसानी से धाए 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 करने वाला है। और इसके अंदर से ये देखो कितने बढ़िया तरीके से भाई इसके टारगेट निकलते हैं और ऑटोमेटिक जब वो बॉल निकल जाती है तो दूसरी अपने आप आगे आ जाती है। बस उसके बाद आपका काम रह जाता है लोड करने का। तो यार ये वाली जो गन है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी और मैं जानता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो भाई अगर आपको भी ट्रांसपेरेंट वाली वाटर 2-in-1 गेम बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना वाटर गन, ताकि मैं चाहूं आपको इस वाटर वाली 2-in-1 गन को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई अब बारी आने वाली हमारी आरसी कार की डोरेमोन स्पिनर की, जो कि ताइवान से मंगवा रखा है। और एक हमारा ये वाला स्पिनर है गोल्डन स्पिनर और हमारे कुछ पॉपेट। और पॉपेट को देख के भाई आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये ना एक चाबी का छल्ला भी है। आप इसको बैग का चाबी का छल्ला बना सकते हो, आप इसको अपनी साइकिल का चाबी का छल्ला बना सकते हो, बाइक की चाबी का छल्ला बना सकते हो। और ये वाला बहुत क्यूट है क्योंकि ये जो है एक शर्ट की तरह, यानी कि टी शर्ट की तरह है, जिसमें कि भाई साहब पीला रंग भी है, गुलाबी रंग भी और सफेद रंग भी। और इस वाले के अंदर तो हरा रंग, गुलाबी रंग, बैंगनी रंग और हल्का बैंगनी रंग, यानी कि भाई इसके अंदर 4-4 अलग अलग शेड हैं और ये एक एप्पल के डिजाइन में। तो आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आप भाई मुझे जरूर बताना। और अगर आपको दोनों अच्छे लग रहे हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना एप्पल पॉपेट एंड टी शर्ट पॉपेट, ताकि मैं जो आपको दोनों के दोनों पॉपेट वाले कीचेन गिव अवे कर सकूं। और यार इसके जो साउंड आते हैं ना भाई साहब, देखो कितना प्यारा साउंड आता है। तो भाई इसी तरीके से ना यार इसमें भी सही साउंड आता है। तो मुझे जो है ना यार पॉपेट का साउंड सुनने में काफी ज्यादा मजा आता है। अगर आपको पॉपेट बहुत ज्यादा पसंद है तो भाई मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, वाव और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना और पॉपेट जरूर लिखना है कि एप्पल पॉपेट या टी शर्ट पॉपेट। और अगर दोनों पसंद है तो दोनों लिख देना, ताकि मैं जो आपको दोनों के दोनों पॉपेट को गिव अवे कर सकूं। इनको रखते हैं इनकी जगह पर। तो अब उठाने वाले हम भाई साहब ये जो हमारा कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलता हमें, ये हमेशा हमेशा जो है आपको पता ही है, जितनी भी बार ये मैंने मंगवाए इसके भाई मेरे को इकट्ठे पीस ऑर्डर करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी ना आप किसी भी कंट्री से या ताइवान वगैरह जैसी कंट्री जितनी भी होती है ना, आप वहां से 1-2 पीस नहीं मंगवा सकते, आपको जो है ना 200-200 पीस का ऑर्डर देना पड़ता है। और ये जो है ना इसके अंदर छोटे छोटे 28 स्टील के कंचे लगे हुए हैं जिसको बैरिंग बोलते हैं। और ये देखो इसी चीज से पता चलता है कि कितना तेज चलता है इसका साउंड सुनना, है ना। आपको पता लग गया होगा कि यार इसके अंदर एक अलग ही चीज है और इसके ऊपर एक अलग ही चमक आती है, क्योंकि ये जो काफी अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है। और ये हैरी पॉटर वाली झाड़ू लेके उड़ रहा है, पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है। ये देखो कभी भाई ये एंजल बन जाता है। डोरेमोन, नोबिता, सुजुका हमेशा साथ में रहते हैं इसके। और ये देखो बादलों के ऊपर सवार हो रहा है। और यार इसके अंदर पता है देखो ठंड लग रही है, क्योंकि ना ये देखो किसी बर्फीली जगह पर है। जियान और सुनियो इधर घूम रहे हैं और सुजुका और नोबिता डोरेमोन के साथ बैठे हैं। और ये देखो काउबॉय बन के एकदम मस्ती भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक स्माइल वाला फेस बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो है भाई, ये है एक हमारा सोने वाला यानी कि गोल्डन का स्पिनर। मजाक कर रहा हूँ, गोल्डन का नहीं है ये, जो है ना सिर्फ इस पर पेंट कर रखा है इन्होंने ताकि ऐसा फील आए कि ये जो है एकदम गोल्डन से बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इसके ऊपर लगे हुए स्टील के मोटे वाले कंचे और इसके अंदर रखे हैं 16 स्टील वाले बेयरिंग। इसके अंदर 28 बेयरिंग है और इसके अंदर है भाई साहब स्टील की 16 वाली बेयरिंग। तो भाई ये जो है ना ये भी काफी तेज चलता है, इसका साउंड सुनेंगे तो ये देखो यार, मतलब कतई गजब भाई साहब, बहुत ज्यादा बवाल है। और ऐसे करने पे तो आपको ऐसा लगे कि आपने कोई चक्र अपनी उंगली पे रख रखा है या कोई रथ का पहिया पकड़ रखा है। काफी ज्यादा मजेदार है ये और इसका ना लुक भी बहुत अच्छा आता है। और इसको रोकता हूं मैं और अब मैं आपको ना इसको दिखाता हूं। और ये इतना तेज चलता है कि अगर इसको हल्की सी भी उंगली लग जाए ना तो ये देखो इस तरीके से कुछ घूमने लगता है। और सोचो अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो अब तो ये रुकने ही वाला ही नहीं है। और ये पता है स्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मेरी उंगली पे भी घूमने लगता है। तो भाई मुझे उतना ज़्यादा अच्छा तरीके से नचाना नहीं आता उंगली पे, नहीं तो अगर आप लोगों को आता होगा तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको चला सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाता है, ऐसा लगता है उड़ता हुआ शक्तिमान की तरह एक कोई चक्र आएगा। और भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाएगा। और पता है जब आप इसके ऊपर इसको रख दोगे ना दोनों को तो ना एक चीज़ बता दूं मैं अभी ना, अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ना अब पता चलेगी। आपको पहले लग रहा था ना कि ये वाला तेज चल रहा है, लेकिन नहीं, ये देखो यहाँ से तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नीचे वाला तेज चल रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा ना आपको तो ये देखो भाई डोरेमोन वाला जो स्पिनर है ये इसीलिए इम्पोर्टेड है क्योंकि इसकी स्पीड इससे 100 गुना तेज है। और ये देखो ये सिर्फ दिखने में ही आपको तेज लग रहा है, बट एक्चुअल में ये नीला वाला जो हमारा डोरेमोन स्पिनर है ये काफी तेज है। और होगा भी क्यों नहीं भाई, ये डोरेमोन का गैजेट जो है तो मैं और मेरे छोटे वाले भाई को भाई बहुत ही ज्यादा पसंद है डोरेमोन के गैजेट्स। और हम डोरेमोन भी साथ में बैठ के देखते हैं। तो भाई आज का विनर है डोरेमोन गैजेट। तो यार अगर आपको भी डोरेमोन गैजेट वाला स्पिनर काफी ज्यादा पसंद आया और आपको गोल्डन स्पिनर भी पसंद आया और आपको दोनों पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम और उसके आगे लिख देना डोरेमोन एंड गोल्डन स्पिनर, ताकि मैं जो आपको दोनों के दोनों स्पिनर गिव अवे कर सकूं। तो मुझे तो स्पिनर से खेलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो इनको रखते हैं इनकी जगह पर। और एक और चीज जिससे मुझे खेलना ज्यादा पसंद है और वो चीज और कोई नहीं, वो है भाई साहब ये वाटर गेम। और मैं आपको बता दूं कि वाटर गेम में ना भाई मेरा रिकॉर्ड है सिर्फ 5 सेकंड का। ये देखो मैं सिर्फ पता 5 सेकंड लेता हूं और भाई मैं ना किसी भी गोले को अच्छे तरीके से भर देता हूं। तो ये भाई हो गए पूरे के पूरे 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई मैंने ये जो दो रिंग है ना इसके अंदर मैंने टोटल 12 बॉल भर दिए, एक में 7 एक में 5। तो भाई अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर 12 की जगह आप 13 बॉल भर सकते हो तो भाई आपको लिखना अपना नाम और उसके आगे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मैं जो आपको इस वाटर गेम को गिव अवे कर सकूं। और इस वाटर गेम का डिजाइन एक टीवी के डिस्प्ले की तरह बना रखा है। ये देखो ये बीच में टीवी की स्क्रीन बना रखी है और यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं अंदर। और भाई ये देखो अंदर रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर वाईफाई की जगह वाई वाई लिखा हुआ है, माइक बना रखा है, होम बटन बना रखा है, टीवी बना रखा है और ये ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है। और ये स्टार्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए यानी कि वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। और ये वाला भाई मेरा रिमोट समझ लो और ये वाला आपका रिमोट समझ लो। तो मुझे तो वाटर गेम वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लगती है, यहाँ से साउंड आता है और ये प्रॉपर एक पक्के वाला मेटल का बना हुआ है। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको लगता है कि आप मेरे को हरा सकते हो तो भाई नाम लिख देना अपना और चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना, ताकि मैं आपको ये वाटर गेम जो है गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है भाई हमारे आरसी कार की, जो कि है 18 सुपर पावर रेसिंग कार। और ये जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये जो है ना गोल्डन ट्रांसपेरेंट कलर का इसके अंदर कांच दे रखा है, जिसके अंदर 2 सीट है, जिसमें कि एक तरफ आप बैठ जाना, आप गाड़ी चलाना और मैं आपके बगल में बैठूंगा। और 2 छोटे छोटे क्यूट से मिरर दे रखे हैं और इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये जो है ना एक इन्होंने फरारी टाइप का मॉडल बना रखा, पीछे से देख सकते हो। और इसका ना यार अलॉय व्हील वगैरह देख रहे हो, मतलब क्या सिल्वर कलर की शाइन दे रखी है, काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं और आगे से भी बहुत ज्यादा ये सेक्सी है। और इसी के साथ साथ भाई जो इसकी आवाज है ना, ये देखो भाई मतलब कितनी तगड़ी इसके अंदर से इसका साउंड आता है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसका साउंड। और ये देखो यार मतलब कि हवा को चीरते हुए जो है ना ये कहीं भी आ जा सकती है और मुझे इसी वजह से जो है ना इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मुझे गाड़ी पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा पसंद लगती है। और भाई ये लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो 18 रेसिंग पावर सुपर कार है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना वाह, उसके आगे लिख देना RC सुपर कार या रेसिंग कार, ताकि मैं जो आपको इस 18 रेसिंग कार को गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ डोरेमोन का फोन और डोरेमोन की भाई साहब प्रोजेक्टर वो, जिसमें से 24 अलग अलग तरीके की फोटो निकलने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई युद्ध छिड़ चुका है और हमारे पास आ गया मिलिट्री वाला टैंक, जिसके अंदर 4 पहिए दे रखे हैं। कैमोफ्लेज वाला कलर है भाई साहब, और ये ब्लैक और क्रीम कलर के साथ आता है। और इसका भी जो वाइट टायर है काफी ज्यादा गोली की तरह भागता है, देखो, मतलब कि किसी भी दलदल वगैरह में जो है ना किसी में भी अटकता नहीं है। और इसके अंदर फ्यूल टैंक दे रखा है और यहाँ से आप चढ़ के अंदर बैठ सकते हो। ड्राइवर की सीट सिर्फ एक ही है, यानी कि कोई भी एक इसे चला सकता है। तो भाई मेरी जगह आज आप चला लेना, ताकि जो है आपको भी काफ़ी ज़्यादा मजा आए। और ये देखो एकदम स्पीड से चलता है। और ये दे रखे भाई मिसाइल लॉन्चर, और इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी है। तो जो नीचे जो 4 हैं ये हैं भाई रॉकेट लॉन्चर, और जो ऊपर 4 है ये है मिसाइल लॉन्चर। और अगर आपको भाई आगे से लग रहा है कि आगे से कोई ट्रक आ रहा है, तो भाई आप एक बटन दबाओगे और यहाँ से मिसाइलें निकल जाएंगी धूं धूं। और अगर आपको लगता है कोई पीछे से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, आसमान में कोई प्लेन उड़ रहा है, तो इसको ऊपर करना और भाई सिर्फ एक बटन दबाओगे धूं, तो ये ऐसे चलेगी धुशुं धुशुं धुशुं, तो सारी मिसाइलें निकल के ना इसमें भाई किसी को भी ये उड़ा सकती है। तो मुझे इसका ये वाला फंक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई आप जो है आसमान से आते हुए किसी भी प्लेन के अंदर भाई इस रॉकेट को छोड़ सकते हो, और अगर कोई सामने से आ रहा है तो उसको भी उड़ा सकते हो, और या फिर कोई स्ट्रेट आ रहा तो उसको भी उड़ा सकते हो। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो अगर यार आपको भी ये मिलिट्री वाला टैंक पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे अमेजिंग लिख देना और उसके आगे लिख देना मिलिट्री टैंक, ताकि मैं आपको ये टैंक को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो यार अब इसके बाद बारी आती है हमारे सबसे स्पेशल वाले फोन की, जो कि है डोरेमोन की तरफ से। और इस पे ना सबसे अच्छी चीज क्या लिखी हुई है कि भाई जिनको भी आपको ऐसा लगता है ना कि जो अगर आप 20-25 साल के हो गए और आपको अगर स्पेलिंग याद नहीं होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 के ऊपर लिखा हुआ ONE 1। तो इस तरीके से ना आप पूरी काउंटिंग याद कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये 0 भी दे रखा है, और इन सबके ऊपर ना इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। और ये स्टार बना रखा है, ये हैश है, 0 है, और ये स्टार की शेप है, ये दिल की शेप है, और ये चांद की शेप है। तो इन तीनों को देख के जो है ना आपको शेप याद हो जाएंगी। और ये एक डोरेमोन का फेस है, और इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि भाई म्यूजिक बजता है जो कि यहाँ से सुनाई देता है, और यहाँ पर जलती है इसके अंदर लाइट यानी सिग्नल वाली। तो भाई मैं जो आपको इसके अंदर फटाफट से बैटरी डाल के एक बार एक छोटा सा इसका डेमो दे देता हूं। तो आपको जो है ना इसके अंदर 2 AA वाली बैटरी डालनी है, और उसके बाद आपको इसको लॉक कर देना। और जब आप लॉक कर दोगे तब आपको ऐसा भी इसके अंदर से बटन दबाओगे। जैसे मान लीजिए भाई मुझे नोबिता को फोन लगाना है, तो 999 025 और नोबिता कॉलिंग। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना लाइटें भी जलती है और म्यूजिक भी चलने लगता है। तो भाई लाइट्स को ऑफ करता हूँ ताकि जो है ना आपको इस वाले एंटीने की लाइट दिख सके। तो लाइट को करते हैं ऑफ। तो ये देख रहे हो आप, मतलब कि कितनी तगड़ी इसके अंदर लाइट जल रही है, और काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है भाई, जल रही है, बुझ रही है। तो इसी वजह से जो है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये डोरेमोन वाला फोन। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन। तो डोरेमोन का जो फोन है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यार डोरेमोन हर बार इतने तगड़े तगड़े गैजेट लेके आता। तो अगर आपको भी पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे अमेजिंग लिख देना और उसके आगे लिख देना डोरेमोन फोन, ताकि ये जो फोन है आपको भी गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई डोरेमोन की वॉच से पहले मैं आपको दिखा दूं हमारी फोर्ड वाली इको स्पोर्ट, जो काफी ज्यादा स्लीकी है। और इसके व्हील्स वगैरह देख रहे हो यार कितने ज्यादा प्यारे हैं, मतलब इसके ऊपर ना आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। यार ये देखो ऐसा लगे कि ये कोई अपोलो टायर या कोई ये MRF के टायर से, जो काफी ज्यादा असली है। और पीछे देख रहे हो मतलब इन्होंने इको स्पोर्ट तक लिख रखा है, और भाई यहाँ पर इन्होंने मॉडल नंबर भी डाल रखा है, टाइटेनियम मॉडल है। और पीछे एक एक्स्ट्रा स्टपनी भी मिलती है जो एक्चुअल वाली गाड़ी में देखने के लिए मिलती है। और ऊपर इसके जो है ना देखो एक सनरूफ दे रखा है, और ऊपर छत की डिजाइन तक सेम है। यार मतलब मजा आ जाएगा यार देख के। और अंदर स्टेयरिंग व्हील है भाई साहब, रेडियो FM वाला सब कुछ दे रखा है, डिस्प्ले वगैरह दे रखे हैं, इन्होंने AC दे रखे हैं। और अंदर सीट है, यानी कि टोटल 5 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। एक मैं बैठ जाऊंगा दूसरी साइड पे, और इधर जो है भाई आप लोग बैठ जाना। काफी ज्यादा मजा आएगा इस वाली राइड पे। तो ये जो है ना कुछ इस तरीके से कि जूम पै पै, तो भाई ये हॉर्न मारेगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो है ना भाई एक पुल बैक कार होने वाली, इसको बस टायर को पीछे खींचते हैं और ये ऑटोमेटिक आगे की तरफ भागती। तो हमारी असली वाली इको स्पोर्ट चमचमाती हुई भाई शोरूम से निकल चुकी है और अब ना एक बार इसको फर्श पे रख के देखने वाले हैं और देखते हैं कितनी असली लगेगी। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको देख के। ओ माय गॉड यार कितनी क्यूट लग रही है और एकदम असली वाली लग रही है भाई साहब। इसकी सबसे अच्छी पता क्या यार, एक तो इसकी स्पीड इतनी तेज है और भाई इसकी स्टपनी ना वाकई में यार बहुत अच्छी है। तो यार अगर आपको भी ये फोर्ड का इको स्पोर्ट मॉडल काफी ज्यादा पसंद है और आपको भी मेरी तरह भाई ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आपको लिखना अपना नाम और उसके आगे भाई लिख देना इको स्पोर्ट कार, ताकि मैं जो आपको इस कार को गिव अवे कर सकूं जिसमें पीछे स्टपनी भी टंगी हुई है और सनरूफ भी है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। और अब बारी आ गई है हमारी भाई साहब डोरेमोन वाली वॉच की, जिसमें कि डोरा केक्स वगैरह बने हुए हैं और ये एक प्रोजेक्टर वॉच है जो काफी तगड़ी लगती है। और मैं सच बताऊं तो इसका जो है ना भाई लुक इतना तगड़ा आता है, ये देखो यार ऐसा लग रहा है कि 3D डोरेमोन है और ये अभी के अभी ना स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाएगा आपके पास। और ये 2 बटन दे रखे हैं जिसमें कि आप टाइम सेट कर सकते हो, टाइमर भी लगा सकते हो। डोरेमोन का फेस है और एक चीज नोटिस करो यार, ये डोरेमोन जो है ना हमारा ब्लू कलर का होता है, इसलिए इन्होंने भाई हल्के ब्लू कलर में बटन दे रखे हैं और ब्लू कलर का डायल दे रखा है डोरेमोन का ही। और पूरी की पूरी इन्होंने बेल्ट भी ना भाई साहब मैं क्या बताऊं इन्होंने ब्लू कलर की ही दे रखी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कलर कॉम्बिनेशन वाली चीजें ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। अगर आप इसको चाहो तो भाई आप इसको ना फ्रेंडशिप बैंड की तरह भी बांध सकते हो कि भाई लोग देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा जब आप चलोगे तो क्या हाँ भाई ये ही डोरेमोन का असली फैन है। और भाई मैं और मेरा भाई जो है वाकई में काफी ज्यादा फैन है डोरेमोन के। और ये देखो इस पर डोरा केक्स बने हुए हैं, डोरेमोन की बैल भी बनी हुई है। तो ये वाली जो बेल्ट है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जिसपे खुद एक डोरेमोन भी बना हुआ है। तो चलो बात करते हैं इसके प्रोजेक्टर की कि इसके अंदर से जो 24 फोटो निकलती हैं वो कितने मजेदार होने वाली है। तो भाई आ जाओ मेरे साथ लाइव, पहले लाइट्स को कर लेते हैं ऑफ। ये देखो भाई साहब ये आ गया हमारा डोरेमोन। पहली बार में डोरेमोन आ गया था, डोरा केक खा रहा है, कितना कूल लग रहा है। और ये डोरेमी है, अरे यार मुझे नाम नहीं बताना चाहिए था। चलो ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो भाई मुझे जो है ना जरूर बताना कि वो कौन था, ताकि मुझे भी पता रहे कि कितने लोग डोरेमोन को जानते हैं। और ये भाई सुजुका, ये हमारा दोबारा डोरेमोन आ गया। और देखो कैसे भाई मून पे बैठ के ऊपर आराम कर रहा है, जैसे हमने अभी रैबिट को देखा था ना, खरगोश को, सेम उसी पोज में है ये। और अभी तो नोबिता भी आएगा, देखो पता नहीं कहाँ भाग के जा रहा है। तो और इसकी एक अच्छी चीज कि आप जैसे जैसे इसको अपने हाथ पे बड़ा करोगे ना तो ये आपके हाथ पर भी दिखने लगता है, लेकिन ये जितना ज्यादा सफेद चीज पे आप देखोगे ना उतना ज्यादा एचडी दिखता है। जैसे इसमें देखो जियान, सुनियो, सुजुका, नोबिता, हर एक चीज एक एक क्लैरिटी के साथ दिख रही है। तो यार अगर सारी फोटोज मैं दिखा दूंगा तो आप क्या देखोगे, जब आपके पास पहुंचेगा तो आपको भी तो देखना है ना। तो इसके अंदर से भाई टोटल ना 24 फोटोज निकलते हैं जो आपको पूरे आधे घंटे का डोरेमोन का एपिसोड दिखा सकती है। तो चलो लाइट्स को कर लेते हैं ऑन। तो यार ये जो वॉच है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और इसके अंदर की प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वाकई में भाई साहब आपको ना भाई पूरी डोरेमोन की मूवी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मिलती है आपको 24 अलग अलग तरीके की फोटोज। तो यार अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आए ये डोरेमोन वाली प्रोजेक्टर वॉच तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉच लिख देना, उसके आगे लिख देना डोरेमोन वॉच, ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई साहब ये था आज का बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़, बहुत ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और अगर इस वीडियो पर भी 1000 से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो इसके बाद जो है ना भाई अगले वाले कलेक्शन में देने वाले हम भाई साहब एक अल्टीमेट ड्रोन गिव अवे और उसी के साथ एक आरसी स्टंट वाली कार, और उसका नाम भी बता देता हूं एवेंजर्स की सीरीज की होगी या फिर वो होगी पबजी वाली। तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला भाई अगले बार वाले में, अगर 1000 से भी ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं तब एक ड्रोन और उसके ऊपर से पबजी एवेंजर की एक आरसी स्टंट कार जो काफी ज्यादा मजेदार होगी और वो भी प्रॉपर वायरलेस होगी, यानी कि रिमोट कंट्रोल वाली होगी। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आज भाई लेने वाले हम उन 15 लोगों के नाम जिनमें से किसी 2 बंदे को जाने वाला है आज का ये तगड़ा वाला कलेक्शन, और जिसमें कि आरसी स्मोक कार भी जो काफी ज्यादा गजब थी आपने देखा, और एक एयरप्लेन गन लॉन्चर भी थी, और 2-in-1 वाली वाटर गन वगैरह, आरसी स्टंट कार, मून रैबिट, पूरा का पूरा कलेक्शन काफी ज्यादा ताबड़तोड़ था। तो चलो भाई अब बारी आती है शाउट आउट देने की। तो यार ये वो 15 नाम, सत्यम, रुद्र ठाकुर, आदर्श राय, अनस नगीना, वरुण चौधरी, तरुण अहिरेश, अंश कुमार, डैनियल गमन, अंश राज, सूर्यकांत मुंडल, आनव, नैतिक पांडे, शाकिब और हितेश कुमार। तो भाई इन 15 बंदों में से जो है आज किसी एक को मिलने वाली है ये गोल्डन कलर वाली आरसी स्टंट कार जो पूरी की पूरी मेटल की है, और इसके साथ तगड़ा वाला रिमोट कंट्रोल भी आता है जो कि 27 मेगाहर्ट्ज का होता है, यानी कि टोटली वायरलेस होने वाली है। और साथ ही में ये एयरप्लेन गन लॉन्चर जो कि भाई अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होती है, यानी कि आपके पास ये ऑरेंज में भी आ सकती है और ये इस वाले ब्लू कलर में भी आ सकती है। तो यार आज इन 15 बंदों में से किसी 2 बंदे के होने वाले बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले। तो यार काफी ज्यादा मजेदार था आज का कलेक्शन। और आज जो है भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि 15 में से किसी दो को जा रही, नहीं तो हर बार जो है 10 में से एक को ही जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल में नहीं तो चैनल की सब्सक्राइब बाजू में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जितने हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।